हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं अजय राठौड़ स्वागत करता हूँ आप सभी का ई साइंस प्लस के अंदर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम है। इस सम को मैं हैंडल कैसे करता हूँ, इसका आंसर कैसे लाता हूँ, ये आपको अच्छे से देखना है। क्योंकि यहाँ पे x square, अगर मैं इसको पॉलिनोमियल के फॉर्म में लिखूंगा, ओके, तो ऊपर की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 4 होगी, और नीचे की भी डिग्री क्या होगी, 4 होगी। मतलब अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो डिग्री सेम होगी तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। एंड ये 4 पावर है, क्या है, 4 पावर, अरे बाप रे, बहुत बड़ा है। चलिए कुछ करेंगे। तो पहले मैं इंटीग्रेशन कर नहीं रहा हूँ, पहले मैं इस जो सम का ये जो क्वेश्चन दिया है बच्चे, उसको मैं इजी बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। इजी कैसे बनाएंगे, पहले मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं पहले क्वेश्चन को ही लिख रहा हूँ। देखो, ओके, इंटीग्रेशन जब करना होगा उसके आगे मैं क्या लिख दूंगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है डीएक्स। तो ये अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल बनाने की ट्राई कर रहा हूं। इसके अंदर टेक, अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लेता हूं, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं, इसलिए मैं इसका डेरिवेटिव 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी नहीं रखूंगा। क्यों, क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन को ही सॉल्व कर रहा हूं, ओके, मैं इंटीग्रेशन नहीं कर रहा हूं। तो क्वेश्चन को सिंपल बनाने के लिए ये चाल चलनी पड़ेगी अपने को, ये टी प्लस थ्री, ये टी प्लस फोर। देखो, यहां पे जो डिग्री थी वो टू थी, सॉरी डिग्री थी वो फोर थी, ओके, इट विल बी क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू सॉल्व द क्वेश्चन। तो मैंने यहां पे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम करके, अब ऊपर वाले की डिग्री टू और नीचे वाले की भी डिग्री टू, अब डिग्री टू है तो वो हम हैबिट्यूड है उससे, टू डिग्री अब तक हमने सॉल्व किया है। तो ऊपर वाला बनेगा क्या, ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू, यस। नीचे वाला क्या बनेगा, टी स्क्वायर प्लस ये टी स्क्वायर प्लस फोर टी प्लस थ्री टी, तो सेवन टी प्लस ये ट्वेल्व, ओके। तो अब आपका जो क्वेश्चन ऐसा दिख रहा था, अब कुछ ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये भी है तो इम्प्रॉपर ही ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही है। तो इसको मैं सॉल्व कैसे करूँगा, ज़रा देखना। यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस थ्री टी प्लस टू डिवाइड में टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस ट्वेल्व। यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे भी टी स्क्वायर दिया हुआ है, तो मैं वन से मल्टीप्लिकेशन दूंगा, ये वन से मल्टीप्लाई किया, ये टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस ट्वेल्व डिवाइड करूँगी, ये माइनस ये माइनस ये माइनस निकल गया, तो थ्री टी माइनस सेवन टी, तो माइनस फोर टी बचेगा, यहाँ पे माइनस टेन मिला, ओके। तो इस क्वेश्चन को, इसको मैं अकॉर्डिंग टू दिस डिविजन में क्या लिख सकता हूँ, वन, माइनस कॉमन निकाला तो ये 4t प्लस टेन डिवाइड बाय टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस ट्वेल्व, ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, यस, हाँ लिख सकते हो सर। अब इसके ऊपर आप नज़र करिएगा, गौर फरमाइएगा, 4t प्लस टेन अपॉन टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस ट्वेल्व। अब ये कैसा होगा, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। देखो, नीचे वाले की डिग्री 2 है, ऊपर वाले की डिग्री 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अभी भी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है, ज़रा संभलना। मैंने यहाँ पे जो माइनस फोर्टी माइनस टेन था, उसका माइनस कॉमन निकाल दिया, तो ये फोर्टी प्लस टेन। अब मैं इसको प्रॉपर फ्रैक्शन का, इसको ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है उसका मैं पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में इंटीग्रेशन कैसे कर सकता हूँ, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ओके। तो ज़रा संभलना, सम अच्छा जा रहा है, ये फोर्टी प्लस टेन डिवाइड बाई, अब तक हमने जो किया वही करना, ये टी स्क्वायर प्लस सेवन टी प्लस ट्वेल्व को मैं टी प्लस फोर टी प्लस थ्री लिख सकता हूं ना, ऐसे, यही तो है, ओके। इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ए अपॉन टी प्लस फोर प्लस बी अपॉन टी प्लस थ्री, हाँ सर। अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया बच्चे, इसलिए कोई ये न सोचे कि सर आपने इंटीग्रेशन का सिंबल तो लगाया नहीं, सिर्फ मैं क्वेश्चन को इजी बना रहा हूं अभी, ओके। फिर लास्ट में जब पूरी प्रोसीजर हो जाएगी, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो ये 4t प्लस टेन इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस थ्री प्लस बी इंटू टी प्लस फोर। तो टेक t प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो, तो आपको t इज इक्वल टू क्या मिला, माइनस फोर मिला,
टी प्लस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो आपको टी क्या लेना है, माइनस थ्री लेना है। ओके, टी के वैल्यू माइनस फोर यहां पे रखेंगे, ये माइनस सिक्सटीन प्लस सिक्स, माइनस सिक्सटीन प्लस टेन तो माइनस सिक्स यहां पे रखेंगे ना, फोर इंटू माइनस फोर, माइनस सिक्सटीन प्लस टेन तो माइनस सिक्स बचेगा, यहां पे रखूंगा तो माइनस फोर प्लस थ्री तो माइनस वन बचेगा, ये माइनस ए, तो ए मुझे क्या मिल गया बच्चे, सिक्स मिला। ओके, अब ए की टी की वैल्यू माइनस थ्री रखेंगे तो ये फोर इंटू माइनस थ्री तो माइनस ट्वेल्व प्लस टेन इज इक्वल टू, ये ए निकल गया तो यहां पे बी, ये बचेगा वन, माइनस थ्री प्लस फोर, ओके वन, तो ये बचा माइनस टू इज इक्वल टू बी, तो बी आपको क्या मिला बच्चे, माइनस टू मिला। अब इसकी वैल्यू मैं कहां पे, ए बी की वैल्यू मैं यहां पे रखूंगा। ओके, देखो मेरा ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ये था, उसके ऊपर से मैंने एक्सप्रेस इक्वल टू टी एज्यूम किया, उसके ऊपर से मैं इसको डिवीजन करके मैं ये लाया और इसका मैंने पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म कन्वर्ट किया इसके अंदर, और ए और बी की वैल्यू मैंने यहां पे लाई, तो इनडायरेक्टली अब मैं पुट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब मैं एक्स स्क्वायर लिख रहा हूं, फिर मैं डेर इंटीग्रेशन करूंगा कैसे, तो I इज इक्वल टू यहां पे 1, ये तो 1 है, माइनस सर 40 प्लस 10 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 की जगह पे आपने क्या लिखा था, ये वाला, हाँ ना बेटा, ये मैंने पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करके लिखा है, तो यहां पे आ जाएगा, चलिए यहां पे dx अलग अलग देते, यहां पे आ जाएगा माइनस, चलिए a, a की वैल्यू क्या है, 6 है प्लस 6 डिवाइड बाय था t प्लस 4, लेकिन t की वैल्यू मुझे क्या रखनी है, x स्क्वायर, तो यहां पे x स्क्वायर प्लस 4 लिखेंगे। ओके, चलो b प्लस सॉरी माइनस 2 है डिवाइड, ये माइनस 2 लिखा, ये t, t की वैल्यू क्या लिखनी है, x स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर प्लस 3 इंटू dx। ओके, ये हो गया आपका सम, सर अच्छा लग रहा है सम, ऐसा महाकाय भोकाल, ओके, बहुत विचित्र सम था ये, कैसा इजी लग रहा है, ओके सिंपल सा बन गया, आगे बढ़ते हैं, तो इंटीग्रेशन आई यहां पे x बन जाएगा ना, ये 1 इंटू डी एक्स मतलब x, और इसको चलिए पहले अभी भी नहीं करना है, अभी भी थोड़ा सिंपल और सिंपल बनाते हैं सम को, ताकि आपको ये 6 को बाहर निकाला, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो यहां पे मैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स लिख सकता हूं, हाँ सर, माइनस अगर अंदर दूंगा, देखिए यहां पे माइनस था, अच्छा मैंने यहां पे क्या किया है, यहां पे बी माइनस मिला है, ओके इसलिए ये सही है, इस टर्म के आगे माइनस था वो मैंने यहां पे बाहर लिखा है, फिर ये जो टर्म आपको मिली a की वैल्यू प्लस 6 b की वैल्यू माइनस 2 तो b की वैल्यू जो माइनस 2 है उसका माइनस है। ओके, अब ये वाला माइनस अगर अंदर दूंगा तो ये वाला प्लस हो जाएगा, प्लस 2 को बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये x स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर, ये रूट 3 का स्क्वायर, अब आपके लिए इजी बन जाएगा कि भाई ये x माइनस 6 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, टेन इनवर्स का, टेन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो 1 अपॉन ए मतलब 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स बाई 2 प्लस यहां पे 2 एज इट इज आगे 2 1 अपॉन यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही है तो 1 अपॉन ए टेन इनवर्स तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 3 टेन इनवर्स एक्स बाई रूट 3 और प्लस सी। ओके, तो और थोड़ा काटेंगे कूटेंगे जो भी आए आपका यहां पे आएगा x माइनस 3 ये टेन इनवर्स x बाई 2 प्लस 2 बाई रूट 3 टेन इनवर्स x बाई रूट 3 प्लस c, ये आपका आंसर हो गया। अगर इतना सम कर दिया तो आपको अच्छे से 4 आउट ऑफ 4 या फिर CBSE बोर्ड होगा तो 6 आउट ऑफ 6 मार्क्स मिल जाएंगे। तो मैं अगर आंसर को एक बार क्रॉस चेक करूं, ओके तो ये राइट आंसर है x, ओके सही है। चलो ये हमने क्वेश्चन नंबर किया बच्चे 18, ओके 18 कैसे किया, क्या सिचुएशन थी, हमने कैसे हैंडल किया वो आपको अब पता चल गया। सबसे पहले मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन का सिंप्लीफिकेशन दिया, कहाँ तक, यहाँ तक, फिर इंटीग्रेशन स्टार्ट किया,
इसका मैंने इंटीग्रेशन कहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से। ओके, ये क्वेश्चन पहले मैंने सिंपल बनाया, वो यहाँ तक आया, ये वाला पूरा सिंपल बन गया, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस दिस। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद अगर मैं क्वेश्चन नंबर 19 करूँ, चलिए यहाँ पे आपको जो एज्यूम करना है वो आपको पता चल गया कि भाई अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी एज्यूम करेंगे तो 2x into dx इज इक्वल टू dt। कोई स्टूडेंट मुझे ये पूछेगा कि सर आपने आगे के सम के अंदर x square is equal to t जो लिया उसका डेरिवेटिव रखा नहीं, क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ क्वेश्चन को सिंपल बनाया, लेकिन इस सम के अंदर आप x square is equal to t लेके उसका डेरिवेटिव क्यों रख रहे हो? जस्ट बिकॉज कोई मंदबुद्धि स्टूडेंट होगा तो भी वो समझ जाएगा कि सर यहाँ पे न्यूमरेटर में इसका डेरिवेटिव दिया है 7.2x साइज नीचे वाले का, आप जो एज्यूम कर रहे हो उसका ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। हाँ यहाँ पे है तो मैं ऐसे सिंपल चीज ही करूँगा ना बच्चे, ये बन गया t+1 और बना t+3, सिंपल बना 1/t+1 t+3 इज इक्वल टू a/t+1 + b/t+3। ओके, ये 1 = a (t+3) + b (t+1) हो गया। चलिए ये पार्शियल फ्रैक्शन आपको अच्छे से आता है, t+1 = 0 दैट इम्प्लाइज t = -1। यहाँ पे 1 = a (-1+3) तो ये 2 बनेगा। ओके, तो 1/2 = a मिल गया ना बच्चे, यस। अब यहाँ पे t+3 = 0, देखो पहले a के डिनोमिनेटर को 0 के साथ कंपेयर करके जो वैल्यू मिली t की वो रखी, फिर b के डिनोमिनेटर को यहाँ पे आपको t = क्या मिलेगा, -3। 1 = ये a 0 हो जाएगा, b (-2) + -3 + 1, -2 मिलेगा तो ये -1/2 = b। ओके, चलिए सर अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन i = कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रख दो, ये 1/2 1/t t+1 (dt) में लिया है, यस। -1/2 1/t+3 ये भी dt में लिया है, यस। ओके, अब आपको क्या करना है बच्चे, डायरेक्टली 1/2 log (t+1) - 1/2 log (t+3) + c हो जाएगा, 1/2 को बाहर निकाला, log (t+1) / (t+3) + c अपपुट। ओके, t = वापस क्या रखेंगे, x² तो आपका आंसर आ गया 1/2 log (x²) + 1/x²) + 3 + c। ये मेरा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया, 19। तो अगर मैं 19 का आंसर देखूँ तो 1/2 log (x²) + 1/x²) + 3 + c। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 19 हो गया बच्चे, प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 20। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 को वैसे तो मैं एकदम सिंपल से ही बताऊंगा, लेकिन अगर आपको आंखें बंद करके दौड़ना है, कैसे कि पार्शियल फ्रैक्शन अपने अब तक सीखा है उसी की मदद से करेंगे, तो जितना हो सके उतना स्प्लिट करो, ये x तो है ही, ये x²-1 x²+1। ओके, x²-1 को x - 1 x + 1 के रूप में लिखूंगा। देखो तो इस पार्शियल फ्रैक्शन को बनाऊंगा कैसे, x a के डिनोमिनेटर में b/(x-1) + c/(x+1) + यहाँ पे dx + e/(x²)1। ओके, अगर कोई बंदा करना चाहे तो ये भी कर सकता है, लेकिन कोई मंदबुद्धि ही होगा जो ये करेगा कि सर इसमें a b c d e 5 कॉन्स्टेंट फाइंड करने हैं आपको, इट विल बी वेरी वेरी लॉन्ग। ओके, डिफरेंट डिफिकल्ट नहीं होगा, थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा अब तक हमने जो किया है। ओके, इतना ज़्यादा टाइम कौन बिगाड़े सर, हाँ ये बात भी सही है, तो ये मेथड कैंसल, ऐसे कर सकते हो, मेरा फर्ज बनता था कि आपको एक ऑप्शन दूँ, ये हो सकता है।
हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था, अगर आपको याद हो तो लास्ट लेक्चर के अंदर, 1 अपॉन एक्स, ये एक्स रेस टू एन माइनस 1 इंटू डी एक्स। हाँ, ये दोनों नियर अबाउट सेम दिख रहा है, देखो सिर्फ एन की जगह पे 4। तब हमने क्या किया था बच्चे, आपको याद है, याद होगा, एक्स रेस टू एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, याद करो तो आपको वो हिंट दी थी। एक एन रेस टू एक्स, एक्स रेस टू एन माइनस 1 मतलब क्या, यहाँ पे n है तो n माइनस 1, यहाँ पे n की जगह पे क्या है 4 है, तो मैं मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय x रेस टू 3 करूंगा ना बच्चे, क्यों, क्योंकि 4 माइनस 1 एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया था, यहाँ पे 4 माइनस 1 से, तो एक्चुअल में बनेगा क्या है, एक्स क्यूब अपॉन एक्स की पावर 4, ये एक्स की पावर 4 माइनस 1 इंटू। सर आपने ऐसा क्यों किया, अभी आपको आइडिया आ जाएगा, अगर मैं एक्स की पावर 4 को टी एज्यूम करता हूँ तो पावर आगे एक पावर कम इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो गया, यस ये डी टी बाई 4 आ जाएगा, आई इज इक्वल टू यहाँ पे डी टी बाई 4 टी माइनस 1। ओके, अब यहां से देखो एक चीज हो सकती है, कौन सी चीज हो सकती है, कि यहां से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हो, कैसे करना है आपको आइडिया है, ओके, a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1 पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते, लेकिन मैं आपको एक मेथड बता रहा हूं जो कि एमसीक्यू में बहुत बार आती है और मैं आगे एक सम करा भी चुका हूं, ये t इंटू ये t माइनस 1 इंटू डी टी, ऐसा कोई क्वेश्चन है आपके पास, नीचे वाले को ऊपर सेट करना है, कैसे सेट करेंगे जरा देखना, ओके, यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन लगाओगे, यहाँ से आपका सम थोड़ा अलग कैसे होगा, मैं जो भी करा रहा हूँ उससे, a अपॉन t प्लस b अपॉन t माइनस 1, ये कैसे करना है आपको अब तक के सम में आइडिया आ चुका, लेकिन मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ, इसको 1 को आप कैसे लिखोगे, t माइनस 1 अपॉन यहाँ पे t इंटू टी माइनस वन। सर आपने ये क्या किया बेटा, मैंने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के फॉर्म में कन्वर्ट किया, डिनोमिनेटर क्या, डिनोमिनेटर में क्या था, t माइनस वन था, तो t माइनस वन माइनस अंदर जाएगा तो t कट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इनडायरेक्टली वन ही है, और डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, ऐसा क्यों किया सर, तो यहाँ पे 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी ऐसा मिले, इसलिए 4 तो सबके आगे था तो 4 को सबके आगे ही लिखा है, तो ये 1 बाई 4 एज इट इज लॉग मोड में टी माइनस 1 माइनस लॉग मोड में टी, ओके, प्लस सी, चलिए 1 बाई 4 एज इट इज लॉग टी, टी की वैल्यू क्या रखेंगे, एक्स की पावर 4, ओके, तो आपका आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ, 1 बाई 4 एज इट इज है, देखो log माइनस log, तो log x बाई वाई वो फॉर्मूला याद करो, log यहाँ पे आएगा t माइनस 1 अपॉन t, एंड t की वैल्यू अब लिखेंगे 1 बाई 4 log x की पावर 4 माइनस 1 x की पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 20 के बाद 21st, चलिए 21st क्या बोल रहा है मुझे, e रेस टू एक्स माइनस 1 डिनोमिनेटर में दिया है, 1 न्यूमरेटर में दिया है, तो आपके पास अभी इसके अलावा कोई चारा ही नहीं, एक्स स्क्वायर e की पावर x इज इक्वल टू टी लेंगे तो e रेस टू एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी होगा, तो आपके पास सिर्फ dx की वैल्यू यहाँ पे है, तो सिर्फ dx इज इक्वल टू क्या होगा, dt बाई e रेस टू एक्स होगा ना, और इसको आप dt बाई t तो लिख ही सकते हो, e रेस टू एक्स आपने t एज्यूम किया है, तो आपका सम ऐसा बनेगा, i इज इक्वल टू dt बाई t, ये t माइनस 1, देखो आगे जैसा हो गया, आगे अभी जस्ट मैंने आपको बताया उसी के जैसा हो गया, ओके, तो यहाँ पे लिखना कैसे है, i 1 है तो ये t माइनस 1, सॉरी पहले t लिखेंगे, t माइनस वन दोनों के डिनोमिनेटर को सेपरेट किया, तो ये हो गया 1 अपॉन टी माइनस 1 इंटू डी टी माइनस 1 अपॉन टी इंटू डी टी, तो आंसर कुछ ऐसा आएगा log मोड में t माइनस 1 माइनस log मोड में t प्लस सी,
आई होप कि समझ रहे होगे आप लोग, एकदम सिंपल सा मैंने बना दिया। अगर यहाँ से आप पार्शियल फ्रैक्शन करना चाहते हो कि भाई a बाई टी प्लस बी बाई टी माइनस वन, तो भी कर सकते हो। लॉग ये बनेगा t माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, टी की वैल्यू क्या रखेंगे, ई रेस्ट टू एक्स, तो लॉग मोड में ई रेस्ट टू एक्स माइनस वन अपॉन ई रेस्ट टू एक्स प्लस सी, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके प्लीज राइट इट डाउन। फ्रेंड्स आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पे आंसर क्या दिया वो मैं आपको बताऊँ। देखो इसको अगर आप लॉग यहाँ पे वैल्यू रखोगे ई रेस्ट टू एक्स माइनस वन माइनस लॉग यहाँ पे रखोगे ई रेस्ट टू एक्स, देखो ई रेस्ट टू एक्स का आंसर जो भी होगा वो पॉजिटिव ही होगा, मतलब मोड लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्लस सी, एक्चुअल में होता ये है। ओके ये भी आंसर राइट है, नो डाउट, ये भी आप लिखोगे तो कोई मार्क्स काटेगा नहीं, लेकिन लॉग के बाजू में कोई टर्म और उसकी पावर, तो आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा आंसर लॉग ई रेस्ट टू एक्स प्लस यहाँ पे माइनस वन माइनस एक्स लॉग ई बेस ई प्लस सी, और लॉग ई क्या हो जाता है, वन हो जाता है, तो इसको निकाल दिया तो यहाँ पे आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा आंसर है। ओके ये भी राइट ही है, ये भी राइट है। ओके किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। लास्ट दो एमसीक्यू है, एमसीक्यू कैसे सोल्व करेंगे उसके बारे में देखिए। x अपॉन x माइनस वन x माइनस टू दिया है यहाँ पे, ये देख के आपको ये आइडिया आ जाना चाहिए कि अभी हमने एक क्वेश्चन नंबर 16 किया था और एक अभी जस्ट थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर कौन सा 20 किया, वो इसी मेथड के ऊपर था। ओके चलिए वही यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखूँगा, x इज इक्वल टू a, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x माइनस वन x माइनस टू a अपॉन x माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन, टेक x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, तो आपको x इज इक्वल टू वन लिखना पड़ेगा, यहाँ पे वन लिखा, वन लिखेंगे तो a, यहाँ पे वन माइनस टू तो माइनस वन, a इज इक्वल टू माइनस वन मिलता। x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू प्लस टू लिखना है, प्लस टू यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल टू यहाँ पे b इंटू टू माइनस वन, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, टू हो गया। ओके वैल्यू रख देते हैं, इंटीग्रेशन i इज इक्वल टू यहाँ पे वन अपॉन x माइनस वन इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन टू अपॉन x माइनस टू इंटू डी एक्स, तो ये हो गया log मोड में x माइनस वन प्लस टू आगे दो, लॉग मोड में x माइनस टू प्लस सी। ऐसा आंसर आपकी टेक्स्ट ऑप्शन में दिया नहीं, ऐसा नहीं दिया, तो क्या करेंगे, लॉग के बाजू में कोई टर्म उसकी ये पावर ऊपर चली जाएगी ना, ये टू इसके स्क्वायर में चला जाएगा, तो आपको मिलेगा लॉग x माइनस वन प्लस लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पे मोड में x माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब लॉग दिस ओके ये ए वाला सपोज नेगेटिव, ए वाला नेगेटिव दिया है तो यहाँ पे माइनस आएगा। ओके तो ये वाला माइनस है, याद रखना लॉग ए माइनस लॉग बी होगी, तो लॉग ए बाई बी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लॉग मोड में एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस वन प्लस सी, ऐसा कोई ऑप्शन है, देखिए एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 करने के बाद क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय, हम x रेस्ट टू n माइनस वन से करते हैं, यहाँ पे n की जगह पे क्या दिए बच्चे, 2 दिया है। ओके तो 2 माइनस वन मतलब x से ही करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय x, तो ये x नीचे बनेगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन एन टू डी एक्स, तो टेक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, उसका डेरिवेटिव 2x एन टू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, तो इतना आपके पास है, तो यहाँ पे लिखेंगे डी टी बाई टू अपॉन टी टी प्लस वन। ओके बाई यू पार्शियल फ्रैक्शंस भी कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो क्या करोगे, 1 बाई टू आगे नीचे वाले को ऊपर सेट करना है, कैसे सेट करोगे, ऊपर 1 ही है ना, तो टी प्लस वन
माइनस टी। देखो आगे हम क्या करते थे, आगे एक सम किया था उसमें टी माइनस, यहां पे ही होगा शायद, हाँ यहां पे नीचे टी इंटू टी माइनस वन था, तो ऊपर देखो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में सेट करना है विदाउट डिस्टर्बिंग न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को कोई डिस्टर्ब नहीं हो, यहाँ पे वन है तो वन बना हुआ रहना चाहिए, यहाँ पे टी माइनस वन करेंगे तो वन ही बनेगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चेंज हो जाएगा मुझे क्या बनाना है, यहाँ पे टी टी प्लस वन है, वहाँ पे टी टी माइनस वन था, तो पहले टी प्लस वन, देखो टी प्लस वन माइनस टी करेंगे तो टी टी कैंसल, ऊपर वन ही बचेगा, डिनोमिनेटर को सेपरेट करना है, ये दोनों निकला, ये टी टी निकला, तो ये वन बाई टू तो आगे रहेगा, ये वन अपॉन टी का लॉग मोड में टी माइनस ये लॉग मोड में टी प्लस वन प्लस सी। ओके लॉग, अब एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, लॉग ये वन बाई टू, इसको लॉग टी अपॉन टी प्लस वन लिख सकता हूँ मैं, अब टी की वैल्यू देखिए एक्स स्क्वायर वन बाई टू लॉग मोड में एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कोई आंसर होगा प्लस सी, वन बाई टू लॉग अच्छा उन लोगों ने ऐसे ही एज इट इज रन दिया है, ऑप्शन नंबर अगर मैं बोलू ऑप्शन नंबर लॉग 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 अच्छा आपकी टेक्स्ट बुक का अगर आंसर मैं कंपेयर करूं, ठीक है ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है ऐसा कुछ, ओके कोई बात नहीं, टेक्स्ट बुक जैसा लाते हैं, टेक्स्ट बुक के अंदर क्या है एक्स स्क्वायर एक्स वाली टर्म दी है, देखो टेक्स्ट बुक में अगर आप कंपेयर करोगे तो उसके जैसा आंसर लाओ तो ये वन बाई टू, ओके लॉग मोड में टी, टी की जगह पे एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो यहां पे मोड में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस वन बाई टू लॉग मोड में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ऐसा होगा लॉग के बाजू में कोई टर्म, टर्म की पावर आगे चली जाएगी तो ये टू आगे जाएगा तो टू बाई टू कैंसल, तो लॉग मोड में एक्स, ऐसा कुछ ओके लॉग मोड में एक्स, फिर माइनस वन बाई टू लॉग मोड में एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये आपका आंसर होगा, हाँ यही आंसर है ओके ये आपका आंसर हो गया बेटा। यहाँ पे हमने एक्सरसाइज नंबर 7.5 कंप्लीट कर ली है, आई होप कि सब अब तक जितने भी सम हुए आपको सब अच्छे से समझ में आए होंगे, ओके प्रैक्टिस से ही सब कुछ हो सकता है, जितनी ज़्यादा हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, इस लेवल के जो भी एग्जांपल्स होंगे आप इसी के साथ प्रिपेयर कर लो, ओके जय हिंद।